हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर का खाना ऑफिशियल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन और मटर की शानदार चटपटी सी सब्जी। तो ये मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में सोक कर लिया था और अब इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर और दही, और इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम लेंगे हाफ टी स्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देंगे और हम बाकी की चीज़ों की तैयारी शुरू करेंगे। जितने अच्छे से ये मिक्स होगा उतनी ही टेस्टी हमारी सब्जी बनेगी। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और अब देखिए, ये मैंने लिया है एक कटोरी भर के मटर। ये देखिए, बिल्कुल हरे मटर और बिल्कुल ताजे एकदम मीठे मटर हैं ये। तो अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसमें ले रही हूँ तेल 3 से 4 स्पून, छोटे स्पून से लेना है। मैं अंदाज से ही डाल लेती हूँ और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड सोया चंक्स और इसको हम अच्छे से भुनेंगे। सोया चंक्स जब मसालों के साथ भुन जाता है तो इतना टेस्टी हो जाएगा कि आप वैसे ही खा लेंगे इसको। अरे हाँ, इसको आप एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। ये देखिए, कंप्लीटली भुन गया ये। तो जिनको प्रोटीन डाइट लेना है वो इस तरह से भी ले सकते हैं, थोड़ा मसाला कम डालें और इसको खाएं। और अब हम इसमें मसाला बनाएंगे और मटर को पकाएंगे ताकि हमारी सब्जी रेडी हो जाए। तो ये मैंने तेल लिया, तेल में मैंने डाला है तेज पत्ता, जीरा, और इसमें मैंने लिया है 1 इलायची, 2-3 लौंग, और अब हम इसमें 2 प्याज को काट के अच्छे से हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि वो खुल जाए। और हम प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक भून लेंगे। ये देखिए हमारे भुने हुए सोयाबीन। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखिए, अब हमारा प्याज जो है वो गुलाबी होके भुन गया। अब इसमें मैंने 1 कटोरी पूरा मटर डाल दिया है और हम इस मटर को पकाएंगे। किसी भी हरी सब्जी को अगर आप ढक के पकाते हैं ना तो उसका हरा कलर निकल जाता है, तो इसको खुला ही पकाएं। और अब इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको थोड़ी देर भुनने के बाद अब इसमें हम सूखे मसाले मिला लेते हैं। तो मैंने इसमें लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, और इसको साथ साथ मैं चलाते जा रही हूँ ताकि मेरा मसाला नीचे लगे नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे मसाला लग रहा है तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिए। अब इसमें मैंने लिया है ये देगी मिर्च,
इससे कलर बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो ये दो छोटे टमाटर थे जो मैंने काट के लिया है। और अगर किसी को टमाटर का चंक पसंद नहीं है तो वो टमाटर प्यूरी भी यूज कर सकते हैं, टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने नमक पहले भी थोड़ा सा डाला हुआ है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है ताकि इस पानी के साथ मटर और टमाटर दोनों अच्छे से पक जाएं। और ये देखिए, ये बिल्कुल टमाटर पूरा पक गया और अब देखेंगे कि मटर भी पक चुका है। वैसे भी मटर एकदम मीठी वाली मटर थी तो उसको पकने में टाइम नहीं ही लगता है। तो अब सब कुछ पक गया है, अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं अपने सोया चंक को। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए तैयार है सोया मटर। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी और इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं। ये देखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग घर का खाना ऑफिशियल। टिल देन बाय बाय।